जीजा जी है ना, बहुत ही इज्जतदार आदमी है, वो तो करोड़पति भी है। हम जो भी करें वो उससे ज्यादा ही करने के लिए सोचते हैं। 3,000 क्या, 13,000 भी दे देंगे। सर, सर, नरसिम्हा जी का घर है ये? जी हाँ, लेकिन वो घर में नहीं है। आप उनकी वाइफ हैं? जी हाँ। मैं एजेंसी से आया हूँ, उनके कमीशन के 5,000 रुपए लाया हूँ, ये लीजिए। पैसे गिनकर फाइल में साइन कर दीजिए। सही है। ओके मैडम। इधर क्या? हाँ इधर। थैंक्स मैडम। भगवान, सही वक्त पर मेरी इज्जत बचा ली आपने, नहीं तो मेरी इज्जत सबके सामने कम हो जाती। किसी से भी भीख मांगे बिना उनके पैसे आ गए हैं, यही मेरे लिए गर्व की बात है। ये खुशी देने के लिए आपको अगले शुक्रवार को 21 नारियल जरूर चढ़ाऊंगी मैं आपको। लक्ष्मी, लक्ष्मी, कल रात तुम रोते हुए इधर आई ना, पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई बेटा। ये लो, इसे गिरवी रख कर शादी के लिए तुम्हें जो भी देना है दे दो। माँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ, इतने दिन से सबके सामने बेइज्जती हो रही थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। माँ, भगवान ने आंखें खोल दी है। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो लक्ष्मी? उनकी एजेंसी से पैसा आया है माँ। हाँ क्या? हाँ माँ, उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है। उनकी एजेंसी से अभी एक लड़का 5,000 रुपए लेकर आ गया था यहाँ पे। माँ, सच बोल रही हो क्या? हाँ माँ, ये देखो माँ। लक्ष्मी, मेरे मन में जो कुछ भी दुख था वो सब अब खत्म हो चुका है बेटा। अब कितनी खुशी हो रही पता है? आज से तुमको और तुम्हारे पति को कोई भी गलत नहीं समझ पाएगा। माँ, मैंने आज तक आपको बहुत परेशान किया है ना माँ? क्यों ऐसी बात कर रही हो बेटा? ये देखो, अब तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा, ऐसे ही समझना। माँ, ये लो माँ, मेरी तरफ से 3,000 रुपए। लक्ष्मी, तुम ही आके दे दो ना। माँ, मैं दू या आप दू क्या फर्क पड़ता है, मैंने दिया है ये कह के दे दो। मैं मंदिर जाके फिर घर आती हूँ, वो जब घर आएंगे तो मुझे घर रहना होगा। अब मैं चलती हूँ, तुम बाद में आना। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। हाँ हाँ, आज के बाद अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो मैं दूसरी जगह से खरीद लूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके। नमस्ते सर। हाँ, दीदी के पैसे दे दिए? हाँ दे दिए सर, साइन भी करा लिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं चलता हूँ सर। गणेश, मैं भी 4,000 देता हूँ, उस प्लेन पेपर पर लिखवा कर लाओगे क्या? पापा, पता है तुम किसके लिए किसको पैसा भेज रहे हो, पता है मुझे। ए,
वो दिव्या आकर बोल रही थी कि लक्ष्मी उसको पैसा नहीं दे पाती है, ये बात मैं वहीं खड़ा होकर सुन रहा था बेटा। तुम्हारी माँ भी उसे पैसा दे रही थी, लेकिन गलत है ये सोचकर उसने नहीं लिया। कैसे लेगी पापा? दीदी की भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। समझ में आ रहा है, तुम्हारी माँ दे रही थी तो उसने मना कर दिया, लेकिन तुमने दिया तो ले लिया। ऐसी बात नहीं है, जीजा जी की एजेंसी से मिला ऐसा कह के दिया है मैंने। ओहो, दीदी अब खुश रहेगी ना? बाकी लोगों के सामने दीदी का सिर नहीं झुकना चाहिए। हमारे घर में जो भी अच्छा होता था तो दीदी आकर दिया जलाती थी ना। उनकी आंखों में आंसू आए ये मैं सह नहीं सकता पापा। लक्ष्मी बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास तुम्हारे जैसा भाई है। तुम्हारे पास जितने पैसे होते हैं उनमें से तुम अपनी बहनों को बांट देते हो, इसलिए तुम पे गर्व है बेटा। पापा, हाँ? प्यार की कोई कीमत नहीं होती है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। पापा, हाँ? ये बात किसी को पता ना चले पापा, माँ को भी नहीं। ओके।